नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पर। आज हम घिया की प्योद लगा रहे हैं खेत में। हमने घिया की नर्सरी ट्रे में तैयार की थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये कूल काट लेने हैं खेत में। दिख रहे होंगे ना, ऐसे हमने सबसे पहले ट्रैक्टर से कूल काट लिए। कूल काटने के बाद हमने क्या किया, कस्सी से इतना पोर्शन भुरभुरा कर लिया। हमने इसको क्या करना है कि भुरभुरे वाले पोर्शन को, मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लेना है और नीचे तक नरम कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये हमारे पास गोबर की खाद है, इतनी गोबर की खाद हमें इसके अंदर अंदाजे से डाल देनी है। इसको करने के बाद इसको करो मिक्स। फिर क्या करना है कि हमारी ट्रे में जो नर्सरी तैयार हो रखी है, इसको हम नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर ऊपर निकाल लेंगे, तो ये कुछ ऐसी निकलेगी। इस तरह से आप देखोगे तो जड़ों का कितना अच्छा विकास है, बहुत ही अच्छी प्योत तैयार हुई हमारी। ये घिया की बहुत ही उन्नत किस्म है। और फिर इसको क्या करना है कि यहाँ रख के ऐसे और चारों तरफ से गीली गीली सी मिट्टी जो है इसको चारों तरफ से लगा दो, और लगाने के बाद प्रेस कर दो, प्रेस करके पूरा दबा दो, और ये आपके लग के रेडी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको ये कंटिन्यू रखना है ये प्रोसेस। हम ऐसे ही 20 दिन पहले, कम से कम 10 से 15 दिन पहले हमने इसको लगाया था। ट्रे से बिल्कुल पौध को निकालना बहुत ही आसान है। पहले नीचे से दबाएंगे, नीचे से थोड़ा सा नरम किया, और फिर ये देखो बिल्कुल जैसे हमारी कुल्फी निकलती है वैसे निकलाती है। और ये बहुत ही उच्चतम तकनीक है नर्सरी तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम ऐसी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पे देते रहेंगे। तो ऐसी जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस को आप तक पहुंच सकें।